आज मैं तुरिया की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हाफ के जी तुरिया लेंगे। तुरिया के ऊपर के छिलके को इस तरीके से हटा देना है। उसके बाद इसे पानी से 2 बार अच्छी तरह से धो लेना है। इसे 2 इंच के पीसेस में कट कर लेना है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक या फिर आधा छोटा चम्मच नमक, साथ में आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें। मसाले को तुरई में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके लिए अब मसाला तैयार करना है। इसके लिए ग्राइंडर जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन, 2 हरी मिर्च और आधा कप काजू और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसे साइड में रखकर अब एक पैन या फिर कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लें। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें तुरिया के पीसेस को ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है और बीच बीच में चम्मच को चलाते रहेंगे जिससे कि यह पैन में स्टिक ना हो। पाँच मिनट इसे लो फ्लेम पर पका लेने के बाद इसमें काजू वाला पेस्ट को ऐड करेंगे। काजू के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट और भून लेना है। मसाले को 2 मिनट भून लेने से अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाता है। ग्राइंडर जार में 1 कप के करीब पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड कर दे। साथ में 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करना है। अब इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और इसमें बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन से गार्निश करके इसे सर्व करें। इसे आप रोटी या पराठा के साथ सर्व करें। सिंपल, टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर वाली इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।